देशभर में राखी के त्योहारों की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसे लेकर बेमेतरा में हजारों महिलाएं किसान नेता योगेश तिवारी को राखी बांधने पहुंची। आपको बता दें कि पिछले 6 सालों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं योगेश तिवारी ने कहा कि हार जीत लगी रहती है, लेकिन जिस प्रकार से बहनों का प्यार मुझे मिल रहा है और यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोग ग्राम सरदा से आए हैं और योगेश तिवारी भैया के लिए राखी लेकर आए हैं। इस राखी को हम लोग अपने हाथ से बनाए हैं, भाई बहन का रिश्ता है इसलिए आए हैं। कितने साल से आ रहे हो? हम लोग फर्स्ट साल है। पहले साल है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अभी तो माता रानी की कृपा, इतने सारे बहन आए हैं आज चंडी माता में मेरे लिए प्रार्थना किए हैं, उन्होंने मुझे प्यार दिया, स्नेह दिया। कोई छोटी बहन है, कोई बड़ी बहन है, इतनी सारी भांजी भांजा इस क्षेत्र में मिला। जिस गांव में जाता हूं लोग मुझे मामा कहते हैं, मुझे कितना अच्छा लगता है, मुझे अपने आप में गर्व होता है। चुनाव हार जीत टिकट लड़ाई दूसरी तरफ है, एक परिवार मिला है, इस परिवार को मैं नहीं खोना चाहता, इसको निरंतर इनसे संबंध बना के रखूंगा।